जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संकट का त्यौहार आने वाला है। हम आपको ड्राई फ्रूट्स और मावा रोल बना के दिखाते हैं। देखिए, ये तिल है, 100 ग्राम से थोड़े ज़्यादा। ये गुड़ है और ये मावा है और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ता है। सबको मैंने काट के छोड़ा हुआ है। देखिए, थोड़ी कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम इसमें तिल डाल देंगे। देखिए, हल्की गैस पे भूनेंगे इनको। स्लो गैस पे हल्का ब्राउन होने तक भूनते हैं। जैसे ही चटकने की आवाज होती है, गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए देखिए, तिल मेरा हल्का ब्राउन हो गया और धीरे से हल्की चटकने की आवाज़ आ रही है। हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। इनका बिल्कुल सीलापन निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। और देखिए, ये जो गुड़ लिया है ये मैंने, इसको इसमें आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाकू से। मैं इसमें देखिए इस तरीके से कद्दूकस हो जाएगा सारा गुड़। में इस तरीके से कद्दूकस करो। देखिए, गुड़ को मैं कढ़ाई में डाल के हल्का सा मेल्ट करूंगी इसको। देखिए, और तिल को मैंने हल्का ठंडा होने पे इसको हल्का दरदरा मिक्सी में पीस लिया। देखिए, गुड़ को हम बिल्कुल मेल्ट करेंगे। देखिए, गुड़ मेरा मेल्ट हो गया है। इसको गैस को बंद करूंगी। ठंडा होने पर बिल्कुल हल्का गुनगुना रहेगा। फिर इसमें ये मावा डालेंगे। गरम में नहीं डालेंगे, गरम में डालेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। हल्के ठंडा करके देखिए, मावा डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे। पूरा मेल्ट हो जाएगा मावा। मेरा घर का निकाला हुआ ताजा मावा है बिल्कुल। देखिए, मावा गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। धीरे धीरे इसमें हम जो ये रोस्ट हमने पीसा था तिल, इसको डालेंगे और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। थोड़े से साबुत तिल भी डाल रही हूँ मैं इसमें, ये बचा के रखे हुए थे मैंने, भुने हुए हैं। देखिए, देखिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। और डो मेरा पूरा तैयार हो गया। हल्का सा घी लगाएंगे हाथों पे देसी, और इस डो को हम उठा के देखिए इस तरीके से। अब बेलन के ऊपर मैंने घी लगाया हुआ देसी, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा ये डालूंगी मैं इसके ऊपर भुना हुआ तिल, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे। और हल्के हाथ से इस पे ड्राई फ्रूट्स डालते रहेंगे साथ के साथ, जिससे ये चिपक जाए इसमें। एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से बेलन चलाते जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, कभी भी आपका डो पतला हो जाए तो आप उसमें नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। अगर टाइट हो जाए तो हल्का सा दूध डाल लें इसमें, इस तरीके से बेल के। देखिए, बिल के तैयार हो गया है। इसको इस तरीके से देखिए मोड़ेंगे, पीछे करेंगे इसको, फिर इस तरीके से गोलाई में देखिए, फिर इसको पीछे ले आएंगे, फिर इस तरीके से गोलाई में मोड़ेंगे।
फिर इस तरीके से मोड़ते हुए पूरा इसका रोलर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा मोड़ के जितना आप फैलाना चाहें इस तरीके से फैलाएं, बिल्कुल हल्के स्लो हाथ से। देखिए रोल मेरा बनके तैयार हो गया। इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरे को और 10 मिनट के लिए हम आराम से उठाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए 10 मिनट के लिए मैंने रखे थे, 10 मिनट के बाद निकाल के बीच से काट लिया है। देखिए इसको पैने चाकू से आप इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से काटें। देखिए अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार। आप सोचेंगे कि फ्रिज में क्यों रखा। देखिए हम मार्केट में लेने जाते हैं हलवाई की दुकान पे, तो वो लोग भी टेम्परेचर बना के रखते हैं, इनका ऐसी ऐसी चीज़ों का टेम्परेचर में ही रखते हैं। देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए। इस तरीके से पैन चाकू लें और आप उससे काटते हैं। देखिए अभी सारे काट के आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए मावा मेवा डलिए इसमें और मावा गजक रोल बनके तैयार हैं। बहुत बढ़िया बने। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइए, त्यौहार आ रहा है। देखिए बहुत अच्छे और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप अगर आपके, मैंने आपको बताया अगर आप मावा नहीं हैं तो आप मिल्क पाउडर थोड़ा सा दूध में डालें, उससे मावा बन जाता है बड़े आराम से, बहुत ईजली हैं बनने में। इस तरीके से आप भी बनाइए। और सर्दियाँ का मौसम है, तिल तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, घर में बनाइए। देखिए बिल्कुल हलवाइयों से कम नहीं है। और मेरे चैनल को कृपया करके अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो नए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को इस तरीके से ही बढ़ाते रहें। देखिए आप भी बनाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।